नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप। मुंबई में गोरेगांव पूर्व में संतोष नगर फिल्म सिटी रोड पर एक्टर अजय देवगन की कार को एक शख्स ने रोक लिया और खरी खोटी सुनाने लगा। राजवीर सिंह नाम का ये शख्स अजय देवगन की कार के सामने आकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा करके चिल्लाने लगा कि वो पंजाब के खिलाफ है। वो किसान आंदोलन का समर्थन न करने पर अजय देवगन को खरी खरी कह रहा था। लगभग 15 मिनट तक अजय देवगन की गाड़ी उस शख्स ने रोक रखी थी। वो अजय देवगन से कह रहा था कि इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपने उनके सपोर्ट में कोई ट्वीट नहीं किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत आई और सरदार राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अजय को फिल्म सिटी तक छोड़ा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजय देवगन की गाड़ी रोकने वाले के साथी का कहना है कि वो सिर्फ किसानों के हक के लिए बात करने गया था। अजय देवगन से इसमें उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया, फिर पुलिस ने उसको क्यों गिरफ्तार किया? बस सिर्फ एक छोटा सा उसने गलती कर दिया, यही उसके हिसाब से उसने एक इंसानी जो सवाल है वो उसने खाली बस अजय देवगन जी को पूछा कि आज देश के किसान इतने तकलीफ में परेशानी में, आप सर ट्वीट कर रहे क्यों नहीं है, आप क्यों सवाल नहीं उठा रहे, आप लोग सवाल उठाएंगे तो हमको उस चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं किसानों को उसका फ़ायदा पहुँचेगा, बस ये बोलना उसके लिए पाप हो गया और गुनाह हो गया है। किस तरह की धाराओं के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है, क्या था? अभी मैंने गया था पुलिस स्टेशन में, मैंने पता करने की कोशिश किया, मिलने की कोशिश किया, मुझसे मिले नहीं। मुझसे बोले अभी आपसे मिलेंगे नहीं, आपके वकील को या किसी को भेजो, वो हम लोग उनसे ही बात करेंगे, आपसे बात नहीं कर सकते। आपको बता दें कि अजय के बॉडीगार्ड प्रदीप इंद्रसेन गौतम ने 28 साल के राजदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डिडौंसी पुलिस ने राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब वो बेल पर रिहा हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक पंजाब का रहने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज आवर।